तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है। म्यूजिक तो गाइज़ अगर आपको ये प्रीव्यू पसंद आया है, आप इस तरीके के स्टेटस को क्रिएट करना चाहते हैं, तो सिंपल सी आप काइनमास्टर एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ से आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद 9:16 रेशियो को सिलेक्ट करना होगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है, एडिटिंग पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको फुल स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद और यहाँ से आपको 0.5 का रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बैक आ जाना है आप सिंपली गए, जहाँ से आपको अपने फ़ोटो को सिलेक्ट करना होगा जिनसे आप स्टेटस को क्रिएट करना चाहते हैं। तो गए यहाँ से आप गर्ल्स के या बॉयज़ किसी के भी फ़ोटो सिलेक्ट करके स्टेटस को क्रिएट कर सकते हैं। तो गए यहाँ से मैं गर्ल्स के फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि उन्हीं से हम अपने स्टेटस को क्रिएट करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ से मैंने कुछ फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया है, आप देख लीजिए फोटो आ गए हैं। 0.5 की ड्यूरेशन में दोनों उंगली से आपको इस तरीके से बड़ा कर देना है जिससे ग्राफिक्स को लगाने में आसानी हो जाएगी। अब गाइस पहले फ़ोटो पे क्लिक करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना है और यहाँ से आपको ग्राफिक्स को डाउनलोड करना है। तो उसके लिए गेट मोर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा, अपने नेटवर्क को आपको ऑन कर लेना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ से आपको एनिमेशन वाली कैटेगरी मिल जाता है, ओवरऑल एनिमेशन 3, सिंपली आपको इसी को डाउनलोड करना होगा। इसी के ग्राफिक्स को हम आज के स्टेटस में यूज़ करने वाले हैं, आपको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है, बैक आने के बाद सिंपली ओवरऑल एनिमेशन 3 में क्लिक करना है और यहाँ से आपको पहला वाला सिलेक्ट कर लेना है, कुछ ऐसा इफेक्ट आ जाएगा। दूसरे पे क्लिक करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना है, ओवरऑल एनिमेशन 3 में जाने के बाद यहाँ से आपको पांचवा सिलेक्ट कर लेना होगा। तीसरे पे क्लिक करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना है, ओवरऑल एनिमेशन 3 में जाने के बाद ये 9 नंबर सिलेक्ट कर लेना है। फिर से क्लिक करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना है, 3 में जाना है, उसके बाद यहाँ से आपको आना होगा और यहाँ से 12 नंबर सिलेक्ट कर लेना होगा। क्लिप ग्राफिक्स में जाना है, ओवरऑल एनिमेशन 3 में जाने के बाद ट्वेल्व लगा देना है, क्लिक करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना है, तो गाइज मैंने सारे फोटो में यहाँ से ग्राफिक्स को ऐड कर लिया है, आपको भी कर लेना होगा। उसके बाद शुरू में आ जाना होगा, शुरू में आने के बाद क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। मीडिया पर क्लिक करना होगा और गाइज यहाँ से आपको एक वीडियो को ऐड करना होगा, जो भी वीडियो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो भी मटेरियल सारा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या फिर टेंशन क्यों ले रहा है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है? तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो आ गई, सिंपली आपको सिलेक्ट करना है, कैंची के बराबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, पेन एंड जूम पे क्विल पे क्लिक करना है, इस तरीके से आपको इसे जूम कर देना होगा जैसे मैं कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको इसे जूम कर देना है और बैक आ जाना है, आप देख लीजिए कुछ ऐसा इफेक्ट आ जाएगा। अब आपको उसे ट्रिम करना होगा, तो उससे पहले म्यूजिक को ऐड कर लेते हैं। तो ऑडियो पे क्लिक करना है, सबसे पहले म्यूजिक को ऐड कर लेना है, म्यूजिक का भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, तो म्यूजिक भी आ चुका है, ठीक है? उसके बाद बैक आना है, अब म्यूजिक के हिसाब से आपको इसे काटना होगा कि कहाँ से काटना है, म्यूजिक के हिसाब से देख लेता हूँ मैं। यहाँ से मैं इसे काट देता हूँ, ठीक है? इस तो आपको भी यहाँ से काट देना होगा इसको, इसको आपको कर देना है, बाकी यहाँ से फ़ोटो लग जाएंगे। अब कहीं जहाँ से फ़ोटो लगे हैं वहाँ पे आपको रुक जाना होगा, लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, मीडिया को सिलेक्ट करना होगा और गए यहाँ से आपको एक बिगनेट वाली PNG को ऐड कर लेना होगा, जैसे सारे फ़ोटो में बिगनेट वाला इफेक्ट आ जाएगा काफ़ी अच्छा। ये वाली इसको आपको बड़ा करके इस तरीके से कर देना होगा और स्क्रॉल करके आपको इस तरीके से कर देना होगा, सारे फोटो में लग जाएगा। उसके बाद म्यूजिक बड़ा है तो सिंपली आप इसे ट्रिम कर सकते हैं या फिर आप अपने स्टोरेज को थोड़ा बड़ा बना सकते हैं ड्यूरेशन ज़्यादा करके, तो मैंने लगा दिया है। अब गाइस क्या करना होगा, सिंपली शुरू में आ जाना है, यहाँ से आपको लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है और एक इमोजी को सिलेक्ट करना होगा, ये वाला, इसको आपको छोटा करना है थोड़ा,
कर लिया मैंने स्क्रॉल, इस पर क्लिक करना है और फुल स्क्रीन यानी कि बराबर तक कर देना है जहाँ तक ये वीडियो है। उसके बाद ओवरऑल एनिमेशन में जाने के बाद इसको आपको सिलेक्ट कर देना है ड्रिफ्टिंग। ठीक है, इस मैंने कर दिया, इफेक्ट अच्छा खासा लग गया है, स्टेटस भी हमारा क्रिएट हो चुका है। अब सिंपली लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है, बॉर्डर पीएनजी को आपको ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ से टेलीग्राम वाले ऑप्शन में जाता हूँ और बॉर्डर पीएनजी को भी मैं ऐड कर लूँगा। कैची के बराबर वाले ऑप्शन में क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना है, स्क्रॉल करना है, सिलेक्ट करने के बाद पूरी वीडियो में कर देना है, नीचे आना है, ब्लेंडिंग पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन कर देना है। उसके बाद जहाँ से आपने फोटो को ऐड किया है वहाँ पर आपको आना होगा, लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा, मीडिया को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से आपको बैकग्राउंड वाली वीडियो को ऐड करना होगा। तो मैं कर लेता हूँ ये वाली, इस तरीके से आपको कर देना होगा इसको, कुछ ऐसा लुक आ जाएगा। उसके बाद जहाँ से आपने फोटो को ऐड किया है वहाँ पर आपको आना होगा, लेयर वाले ऑप्शन क्लिक करना होगा, मीडिया को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से आपको एक क्रेस वाली पीएनजी को ऐड करना होगा। मैं कर लूँगा उसे, ये आ गई। नीचे आना है, ब्लेंडिंग पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन कर देना है, स्क्रीन करने के बाद आपको इसे फुल स्क्रीन कर देना है। उसके बाद आपको इसे सिलेक्ट करना है, नीचे ला के लगा देना होगा। तो देख लीजिए दोस्तों, इफेक्ट आ चुका है और स्टेटस हमारा काफ़ी अच्छा क्रिएट हो चुका है। चलिए गाइस चला के दिखा देता हूँ, बाकी सारा मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।